गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जल्दी से आ जाएं और ज्वाइन कर लीजिए सेशन को. आज हम लोग करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री से फिजिकल चैप्टर डाइल्यूट सॉल्यूशन. चलिए फटाफट आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए. और मुझे बताइए क्या एवरीथिंग इज क्लियर एंड विजिबल. अगर हाँ तो हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आज आप लोग करने वाले हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चन. और बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पलर में. एग्जाम्पलर में टोटल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 35. तो आज हम लोगों को करना है 35 क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पलर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2. तो गाइज आर यू रेडी, जल्दी से बताएं जिससे कि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकें. एफ डी गोविंद गुड मॉर्निंग बेटा. चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. जितने लोग आ चुके हैं वो देखिए, बाकी के लोग जुड़ते रहेंगे साथ में. अनुष्का फ्रॉम एलकेओ गुड मॉर्निंग बेटा. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर और किसके बीच में पूछ रहा है, वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में पूछ रहा है कि क्या रिलेशन होता है. फटाफट आंसर करिए. फटाफट आंसर करें बच्चे. राउल्ट्स लॉ के बारे में बात कर रहा है सीधा सीधा. और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मानते हो आप लोग. राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया कि वेपर प्रेशर किससे रिलेट होता है. वेपर प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है. कह रहा है कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ रिलेट करता है, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मास परसेंटेज या मोलैलिटी. तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है. क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन. सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये रिलेशन होता है. तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला कि मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर. चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ऑन डिजोल्विंग सुगर इन वॉटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच. क्या करें अगर हम क्या करें, रूम टेम्परेचर पर सुगर सॉल्यूशन को डिसॉल्व करें तो हमें कैसी फील आती है, हमें ठंडा लगता है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसॉल्यूशन ऑफ सुगर विल बी मोस्ट रैपिड. इनमें से किस कंडीशन में डिसॉल्यूशन ऑफ सुगर, सुगर का घुलना सबसे ज्यादा तेजी से होगा. बताए बच्चे कि कौन सा आंसर होगा इसमें, कि जब रूम टेम्परेचर पर हम सुगर को घोलते हैं तो क्या होता है, हमें ठंडा फील करता है, हमें ठंडा फील कराता है. जैसे कि आप लोग शरबत बनाते हैं, है ना, तो ठंडा, ठंडक के लिए बनाते हैं आप शरबत, गर्मी से बचने के लिए आप शरबत पीते हैं क्योंकि ठंडा फील कराता है. सुगर विल बी मोर रैपिड, किस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ सुगर ज्यादा होगा. चलो फटाफट कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी करते जाए भाई, कॉमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं, फटाफट कॉमेंट करते जाए. तो बेटा देखो, जो सॉल्यूशन फील कूल टू टच, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पर इसका मतलब होता है कि जो हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें वो छूने में क्या लग रहा है. सियाराम मित्र ने लिखा है डी. अच्छा चलो देख ले, जिसकी वजह से हमें छूने में क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है. ठीक, इसका मतलब दूसरा ये भी हो गया कि हाई टेम्परेचर क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है. हाई टेम्परेचर फेवर किसको बेटा, डिसोल्यूशन. अब एक बात रही यहां पर, देखो कि यहां पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए. अब यहां पर देखो पाउडर सुगर, अब पाउडर सुगर लेते हैं तो पाउडर्ड सुगर में क्या होता है, यहां पर पावर्ड नहीं लिखा है, यहां पर पाउडर्ड होगा बेटा. यहां पर क्या होगा,
पाउडर्ड। पाउडर्ड शुगर क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर हम पाउडर्ड पिसी हुई चीनी लेते हैं तो उसका क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से वो जल्दी घुल जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? डिसोल्यूशन फास्ट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम हॉट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ लें तो वो फेवर करता है किसको? डिसोल्यूशन को। अगर हम पाउडर्ड शुगर ले लें तो क्या फेवर करेगा? कि सरफेस एरिया बढ़ा देगा। तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, कह रहा है इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और ऑफ अ सॉलिड किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो बेटा हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम, जब भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों ही बराबर हो जाएंगे। एफ डी गोविंद ने लिखा है, थर्ड ओंकार ने लिखा है, गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा यहां पर ग्रेटर नहीं होगा, देखो ना, इक्वल, इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रहा है, साम्य की स्थिति दे रहा है, तो दोनों ही रेट क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइजेशन और घुलने और क्रिस्टल बनने के दोनों के रेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। यहां पर कीवर्ड क्या देखना है आपको? इक्विलिब्रियम कंडीशन देखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है बेटा कि एक बीकर में एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस है ए, एक बीकर है उसमें सब्सटेंस ए है। प्रेसिपिटेट ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ए इज एडेड द सॉल्यूशन। क्या है कि जब हम और एक, जो भी हमने ए लिया उसको हम कुछ और मिलाए तो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? द सॉल्यूशन इज, बताओ बेटा कैसा होना चाहिए? अक्षत गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच बेटा। अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन। जब हम एक छोटी अमाउंट में ए को और डालते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो बेटा सिर्फ ओनली सुपर सैचुरेटेड, ओनली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टार्ट प्रेसिपिटेट। जो सुपर सैचुरेटेड होते हैं बेटा, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे वही से प्रेसिपिटेट होना शुरू करेंगे। यस, एक वर्ड आता है सुपर सैचुरेटेड। क्या होता है सुपर सैचुरेटेड बेटा? यही होता है कि जब सुपर सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में वो कंपाउंड मिलाएं तो वो क्या हो? प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एकता ने लिखा है सेकंड। यस बेटा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओंकार नाथ बेटा इसका सेकंड होगा, सुपर सैचुरेटेड। चलो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, आज डाइल्यूट सॉल्यूशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। पहले तो सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को कि क्या पूछा जा रहा है, राइट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट, एक कोई सॉलिड सॉल्यूट है हमारे पास, उसके अगर हम मैक्सिमम अमाउंट लें, कैन बी डिजॉल्व, और उसको घोलें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड के अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट में हम घोलें, तो सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट में घोलें तो ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? बताओ भाई किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो बेटा प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है,
ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। जब क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन में हम कोई सा सॉल्वेंट सॉल्यूट घोलते हैं तो प्रेशर पे यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर। एफडी कुमार, रवि रंजन कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ सो के आ रहे हो तुम लोग सो के आ रहे हो बेटा, लेट सेशन ज्वाइन करते हो फिर एग्जाम्पलर भी छूट जाता है आप लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में, आज नोटिफिकेशन नहीं गया क्या बच्चों, आज नोटिफिकेशन नहीं गया क्या, पूजा गुड मॉर्निंग, एकता गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, बेटा ये तो आपने पढ़ाई है, बायो के बच्चे बताएंगे कि इस जो भी कमी होती है, ये जो भी हम लोग हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड और टिश्यूज में, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, बायो की क्लास कर रहे थे, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं आया। सियाराम बिन ने लिखा है 6 का बी, ऐसा क्यों होता है कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं अपर साइड में रहने के लिए जाते हैं बेटा, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसा होता है क्योंकि हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में और टिश्यूज में, इसको हम नाम क्या देते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। चलो, जानवी ने लिखा है एल्टीट्यूड सिकनेस। चलिए, कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना टूटना और उसकी स्ट्रेंथ, प्रेडिक्ट विद द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। बेटा यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या किया गया है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को लंबा किया गया है, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, सिर्फ ये पूछा जा रहा है। अब बच्चे बताएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, हर्षिता ने बताया है ए। चलो एक क्विज खेलें क्या, एक छोटा सा क्विज खेलते हैं बेटा, आप लोगों को जितने भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल आते हैं वो बता डालो, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स आते हैं वो आप बताइए। पहला एग्जाम्पल, चलो मिथेनॉल एंड एसीटोन, चलो ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल मिथेनॉल एंड एसीटोन बताया है बच्चे ने, बिल्कुल सही है, मिथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक। अच्छा ये तो लिखा है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल बताइए अपने आप से, क्या एसीटोन, अच्छा बताते जाना, यस और नो में बताते जाना, क्या एसीटोन और एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, एथेनॉल बताते जाओ फटाफट, जो मैं पूछूं उसमें यस नो बताते जाओ, एसीटोन और एथेनॉल बेटा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल सही। थर्ड आइए, अगर हम बात करें एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन एंड बेंजीन की बात करें तो क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, फटाफट जितने जोश के साथ बताओगे मैं उतने जोश के साथ आगे बढ़ूंगी। अच्छा चलो, कह रहे हैं यस, बिल्कुल सही बेटा, ये तीनों शो करते हैं। चलो और देखें, अगर हम वाटर की बात करें, H2O प्लस एथेनॉल, बेटा H2O प्लस एथेनॉल क्या ये शो करेगा, यस और नो, क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे बेटा, क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वाटर एंड मिथेनॉल। अच्छा जरा आप फिफ्थ वन देखिएगा वाटर के साथ वाला, वाटर प्लस HCl, बेटा वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस, हाँ एकता मैंने देख लिया बेटा, वाटर प्लस एथेनॉल भी शो करेगा, बिल्कुल सही है बेटा। ये बताओ फिफ्थ नंबर, सभी बोलेंगे फिफ्थ यस और नो, फिफ्थ यस और नो, फिफ्थ के आगे यस और नो, सिर्फ यस मत लिखना, नंबर लिखो फिफ्थ यस और नो,
अच्छा सिक्स बताना, वाटर के साथ ही, हम मैं एक साथ वाटर वाले लिखवा रही हूँ, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड अगर हम ले लें, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड ले लिया हमने, फिफ्थ, नो नो नो, वेरी गुड बेटा। बेटा जब भी बात करेंगे वाटर और एथेनॉल की तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, लेकिन ये दोनों जो होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के साथ HCl लिया या फिर हमने वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड लिया, ये कैसे शो करते हैं, ये नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे। ये कैसे हैं, ये नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा चलो एक दो और बताओ, अच्छा जरा सेवेंथ वाला बताना, ये सारा नोट कर लेगा अगर किसी के पास नोट नहीं है। टॉलुविन की बात करें और कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कि CCl4 की बात करें तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा। हाँ 5, 6, नो, बिल्कुल सही बच्चे, हर्षिता ने लिखा है नो, सियाराम ने लिखा है नो, FD गोविंद ने लिखा है नो, रवि रंजन ने लिखा है 6 का 9 क्या लिखा है बेटा, एकता ने लिखा है नो, अनुष्का ने लिखा है नो और FD गोविंद ने भी लिखा है नो, पूजा पटेल ने लिखा है नेगेटिव डेविएशन, रोजी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो तो टॉलुविन प्लस CCl4, बेटा टॉलुविन प्लस CCl4 बताओ सेवेंथ नंबर, नहीं बेटा ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये कहाँ करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है बेटा, ये पॉजिटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल है, ब्रजेश कुमार वर्मा लिखा है पॉजिटिव डेविएशन, यस बेटा रोजी बिल्कुल सही। अच्छा तो ये तो हो गए इतने सारे पॉजिटिव, जरा ये बताना एट नंबर, एक नंबर बताना, एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया साथ में हमने पाइरिडीन ले लिया, ये सारे एग्जाम्पल NCERT में है बेटा, एसिटिक एसिड ले लिया और साथ में पाइरिडीन ले लिया। अंशिका हेलो बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर हो रहा है बेटा अंशिका, तुम साथ रह सकते हो, तुमने पढ़ रखा है ऑफलाइन में बीरा। चलो एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन बेटा ये होता है नेगेटिव, तो टोटल इतने सारे एग्जाम्पल हैं ना, और भी हो सकते हैं लेकिन जो हमारे पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है, मिथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर, एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, एसीटोन बेंजीन का मिक्सचर बेटा, और वाटर के साथ एथेनॉल या मिथेनॉल ले सकते हैं आप तो भी पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही वाटर के साथ HCl और नाइट्रिक एसिड लिया तो नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। नो बेटा याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस यहां पर है कि एसीटोन देखो इनमें तीनों में से तो एक एसीटोन है, एक एसीटोन है, लेकिन अच्छा जरा बताओ बेटा ये मैं रिमूव कर रही हूँ, ये रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे लिखना भी है कुछ, अगर बताओ एसीटोन आया और एनिलीन आया तो ये कौन सा डेविएशन शो करता है, पूजा बताओ बेटा, एसीटोन एंड एनिलीन, ब्रजेश कुमार, सियाराम, हर्षिता फटाफट आंसर करो बच्चा, एकता ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, यस बेटा ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक। तो इसका आंसर मिल गया आपको, पॉजिटिव पूछा गया था, सिर्फ पॉजिटिव पूछा गया था, तो ये देखो पॉजिटिव, बाकी के सारे दिए हुए नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, बेटा जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किन पे डिपेंड करती हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, बेटा नेचर पे डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल के, या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो सभी को पता है बेटा कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं वहां पर हम आई के साथ रिलेट करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर होता है, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स की बात करते हैं क्योंकि मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो Which of the following aqueous solutions should have the highest boiling point? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, सो बोल सकते हैं कि ये फ्रेमिंग कई बार पूछी जा सकती है। Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? इनमें से किसका boiling point ज्यादा होगा, तो हमें पता है boiling point के लिए डेल्टा टी बी की बात कर रहा है, डेल्टा टी बी क्या होता है, I into KV into M,
अब बेटा यहाँ पर देखो सभी की मोलर कंसंट्रेशन क्या ली गई है, इक्वल ली गई है, मतलब कि यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन या स्मॉल एम होगा बेटा, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन सभी का बराबर, के भी सभी के लिए इक्वल, मतलब कि ये दोनों जो फैक्टर होते हैं वो सभी चारों के लिए इक्वल होंगे। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आई पे डिपेंड करेगा, जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर बताओ किसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, NaOH में कितने बेटा, दो दो आयंस बनेंगे Na प्लस और OH माइनस। Na2SO4 में क्या बनेंगे, दो बनेंगे Na प्लस और एक बनेगा SO4 माइनस, मतलब टोटल तीन हो गए मेरे पास। NH4NO3 में कितने बनेंगे बेटा, NH4 माइनस और NO3 माइनस। KNO3 में भी दो बनेंगे K प्लस और NO3 माइनस। तो बेटा सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं हमें, हमें दिख रहे हैं Na2SO4 में आई सबसे ज्यादा होगा, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। यस बच्चे सभी का सही, अर्षिता ने भी बताया है बी, रोजी ने बताया है बी, अविनाश ने बताया है बी, अविनाश आप भी लेट थे आज बेटा, जानवी ने भी बताया है, अर्षिता बी, ओमकार ने भी, चलो अनुष्का ने भी, गोविंद ने भी बताया है। अब बढ़िया सा क्वेश्चन एक बार फिर से आया बेटा, पूछा जा रहा है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चे बताएंगे कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं, KB को बोलते हैं या KF को बोलते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए भाई। कोई बात नहीं अविनाश, मैंने आंसर नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट KB होता है या KF होता है, बस ये बता दो मुझे। अगर KB होता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट तो KF को क्या बोलते हैं बेटा, आज बने रहना, आज बहुत अच्छा सेशन होगा, वैल्यू सॉल्यूशन का बहुत अच्छा सेशन होगा, कुछ आसपास की चीजें भी मैं पूछती रहूंगी। वेरी गुड, के भी होता है बेटा, केएफ को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, क्रायोस्कोपिक, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो ये तो हो गए इनके नेम, केबी को हम एब्लियोस्कोपिक बोलते हैं बेटा, एब्लियोस्कोपिक को और क्या बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, ओंकार नाथ, सुशांत, कोमल सिंह, रोजी, पूजा, बिल्कुल सही, जानवी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब बताओ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को बेटा और एक नाम से जानते हैं, फटाफट टाइप करो, हम और क्या बोलते हैं केबी को, हम बोलते हैं बेटा, हाँ रोजी ने बताया है सबसे पहले, बिल्कुल पूजा ने बताया है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन, एलिवेट करने में जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तो हो गया बात क्या बेटा, एब्लियोस्कोपिक की। अगर हम क्रायोस्कोपिक की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोलल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलर डिप्रेशन, क्योंकि ये डिप्रेशन करता है फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो दोनों के नाम याद रखना, क्रायोस्कोपिक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो अब जरा आ जाएं कि पूछा है कि यूनिट क्या होती है, तो बेटा केबी कैसे निकालते हो, हमें पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है, यहां से क्या आ जाएगा, केबी आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एम, मोलैलिटी। अब टी बी क्या होता है बेटा, डिग्री सी में भी हो सकता है टेम्परेचर, बेटा देखो कितने सारे हो सकते हैं, यहां पर तुमने आंसर दे दिया है बिल्कुल सही, लेकिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं जरा देख लेते हैं। डिग्री सी हो सकता है एंड मोलल इनवर्स हो सकता है, ये भी हो सकता है बेटा। दूसरा, मोलल को हम क्या कर दें, अगर हम डिग्री सी ना लिखना चाहे, केल्विन में दिया गया है तो केल्विन पर मोलल हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, केल्विन और मोलल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन किलोग्राम, ये होता है, तो मोलल अपॉन में है तो ये ऊपर आ जाएगा किलोग्राम पर मोल, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारा थर्ड वाला यहां मैच कर रहा है, किलोग्राम केल्विन पर मोल या फिर किलोग्राम मोलैलिटी इनवर्स, तो पहला वाला हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलो अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा बताएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अगर पूछा जाए तो उसकी यूनिट क्या होगी, रवि ने कहा है मोलल,
बेटा मेरा क्वेश्चन सुना, मैंने पूछा अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा जाए तो यूनिट क्या होगी। अविनाश ने कहा है सेम होगी, और हर्षिता ने भी बोला है सेम होगी, रोजी ने कहा है सेम होगी। चलो बहुत सही बच्चे, ये तीन ही यूनिट होंगी अगर केएफ के बारे में भी पूछा जाए। क्यों बेटा? क्योंकि केएफ भी तो होता है टीएफ डेल्टा टीएफ अपॉन मोलैलिटी। टीएफ को हम डिग्री सी या केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, और ये रही मोलैलिटी, जिसको हम सिर्फ मोलैलिटी लिख सकते हैं या मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो दोनों के लिए क्या होगा बेटा? सेम यूनिट होंगी चाहे कोई सा भी पूछा जाए। चलो नेक्स्ट आ जा बेटा। और साथ ही वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। इन कंपैरिजन 2.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक लिया गया है बेटा ग्लूकोज और दूसरा लिया गया है MgCl2, और इसके लिए 0.01 लिया गया है मोलर और इसके लिए भी 0.01 मोलर लिया गया। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल है तो बेटा क्या होगा, क्या होगा? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, मिस्टर स्मार्ट गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, ग्लूकोज कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसके लिए जो आई होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहां पर बेटा आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 3। तो बेटा क्या हो जाएगा कि MgCl2 सॉल्यूशन इज 3 टाइम्स ऑफ ग्लूकोज, बेटा 3 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, ये हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम, इसके लिए भी बेटा आई इंटू के एफ इंटू एम, बेटा ये दोनों दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर मोलरिटी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, के एफ भी सेम होगा, तो डिपेंड करेगा किस पे? डायरेक्टली आई पे। तो ये 3 है, ये 1 है बेटा आई की वैल्यू, तो 3 गुना है MgCl2 एज कंपेयर टू ग्लूकोज सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? 3rd विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने सही दिया है आंसर। हाँ रोजी ने भी दिया है 3 times, ओंकार ने दिया है सही, अविनाश ने दिया है सही, मिस्टर स्मार्ट जानवी, चलो ठीक है। एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज, मतलब बेटा ये श्रिंक हो जाता है, श्रिवल्स का मतलब क्या हो गया? श्रिंक हो जाता है। ये सारी प्रोसेस आप लोगों ने की होगी, आप लोग क्या करते हो, जो रॉ मैंगो होते हैं, कच्चा आम होता है, उनका अचार बनाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, उनको हम नमक के सोल्यूशन में रखते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट सोल्यूशन लेके उनमें हम रखते हैं, तो देखते हो कि कुछ दिन बाद अचार क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ऑस्मोसिस होता है। जरा बच्चे बताएंगे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, सेमी परमिनेबल मेम्ब्रेन SPM के थ्रू क्या प्रोसेस होता है, वहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन चीजें होती हैं, जो मूवमेंट होता है लोअर टू हायर होता है या फिर हायर टू लोअर होता है, बोलो फटाफट बताओ। प्लाज्मोलिसिस, हाँ अगर करेक्ट नाम बोले तो प्लाज्मोलिसिस, वेरी गुड बेटा। 12th का 4, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। लेकिन आप मुझे बताओ कि SPM के थ्रू हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, लो टू हायर। अब देखो ना, सॉल्ट सॉल्यूशन बाहर था, सॉल्ट सॉल्यूशन बाहर था, यहां आपने क्या किया, यहां पर आपने रॉ मैंगो रखा, और बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था आपने, तो क्या हुआ, इसका वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर चले जाएंगे, मतलब कि लोअर से हायर की ओर चले जाएंगे, लोअर से हायर की ओर चले जाएंगे बेटा, और श्रिंक हो जाएगा। अच्छा जरा बताओ कौन सा प्रोसेस है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन SPM के थ्रू हायर से लोअर की ओर मूव करता है? बेटा हायर से लोअर की ओर करवाना हो तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, बोलते हैं ना रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रिवर्स प्रोसेस में करने को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन इसके लिए बेटा हमें एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत होती है,
इसके लिए हमें क्या होती है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा। चल 13 पे आओ, 13 पे आइए बेटा। तो जो लोग गलत थे, मिस्टर स्मार्ट आपका भी गलत था, रोजी आपका भी शायद गलत था, हायर टू लोअर नहीं होगा, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, फिर से वही क्वेश्चन बेटा बता दो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा। अच्छा, आप सॉल्वेंट का मूवमेंट बोले हैं, ये नहीं देखा हमने बेटा, हमने पूछा है कि सॉल्यूट किधर से किधर की ओर जाएगा, क्वेश्चन में था सॉल्यूट पार्टिकल किधर से किधर की ओर जाएगा। मिस्टर स्पेंड ने कहा मेरा गलत नहीं था, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कांट पास थ्रू, हाँ आपने लिखा है ना कैन नॉट पास, आपने पहले क्या लिखा था मिस्टर स्मार्ट। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। अब कमेंट में ऊपर नहीं देखने वाली हूं, इसको बताओ अगर हमने किया कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सोल्यूशन से ज्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा, क्या होगा। चलो बताओ बेटा। हाँ हमें पता है कि पाई, पाई बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को, सीआरटी मतलब कि अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है, आर तो कांस्टेंट होता है बेटा, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सी। अगर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया पाई ज्यादा हो जाएगा, तो हायर देन डाइल्यूट सोल्यूशन ए हो जाएगा बेटा। देखो फिर से ऑस्मोटिक पे ही क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो फिर आंसर करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो आंसर करो। एफडी गोविंद ने लिखा है बायो के कंसेप्ट से सही बताए हैं मैम। बेटा कंसेप्ट चाहे वो बायो में हो चाहे वो केमिस्ट्री में हो, सॉल्वेंट का फ्लो होता है, हाँ बिल्कुल सॉल्वेंट का फ्लो होता है। अच्छा जरा बताओ अगर तुम लोग सुन रहे हो सही से, तो बताओ डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है। मतलब तुम लोग सुन नहीं रहे हो मेरा क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन तो सुनो, जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है। चलो व्हाट विल बी द फॉलोइंग, हाँ आंसर आने शुरू हो गए हैं, जानवी ने दिया है। चलो इसका बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी, चलो मोलैलिटी सेम है, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो कह रहा हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा बेटा। चलो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, डिफ्यूजन में गैसेस होती हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली गैसेस टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली गैसेस। चलो हर्षिता ने लिखा है ए, बिल्कुल सही है बेटा, क्यों ऐसा होता है कि जब हमने यहां पर लिया डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए बेटा के एफ बी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि के एफ सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है,
सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, न नंबर पे डिपेंड करता है। केएफ की बात करें हम, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है या क्रायोस्कोपिक, बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात करें तो सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो जब केएफ की वैल्यू वेरी करेगी तो इसका डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। तो फॉल्स पूछ रहा है, पहला वाला ही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक का, बेटा अभी तक का सबसे ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। आज जाके आप लोग पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर करेंगे। तो बेटा यहां पर देखो, दो आयन मिलेंगे K प्लस एंड Cl माइनस, यहां पर भी क्या मिलेंगे Na प्लस एंड Cl माइनस, और यहां पर क्या मिलेंगे, दो मोल मिलेंगे K प्लस के और एक मोल मिलेगा SO2 2 माइनस का। मतलब यहां पर टोटल मिल रहे हैं तीन, यहां पर मिल रहे हैं दो और यहां पर भी मिल रहे हैं दो। तो रेस्पेक्टिवली लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। फिर मौत शुरू कर दी है तुम लोगों ने, स्मार्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, थोड़ा सा फास्ट करते हैं सेशन क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है वरना हो नहीं पाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, फटाफट पढ़ें और बताएं। देखो क्या लिखा है, यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, बिल्कुल सेम है बेटा, यूनिट दोनों की सेम होती है प्रेशर। इन रिवर्स ऑस्मोसिस, जरा पढ़ना ध्यान से, रिवर्स ऑस्मोसिस में कह रहा है सॉल्वेंट, अब देख लो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लड़ाई कर रहे थे, देख लो यहाँ पर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर्म अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या ये बात सही है बेटा? बेटा आज 35 क्वेश्चन है, सही नहीं है। अरे यार रिवर्स की बात कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया है लोअर टू हायर, ये किसके लिए दिया गया है, ये ऑस्मोसिस के लिए दिया गया है। ऑस्मोसिस जब होगी, रिवर्स वाली नहीं, जो नॉर्मल ऑस्मोसिस होती है वहां से लोअर कौन सा, अभी अभी बताया आप लोगों ने कि लोअर से हायर की ओर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। बेटा यहाँ रिवर्स लिखा है, रिवर्स का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, हमने क्या किया एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अब जो चीजें हैं, जो अब सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, वो अब क्या करेंगी, हाइयर टू लोअर चलेंगी, क्या होंगी, हाइयर टू लोअर चलेंगी। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स पूछा जा रहा है, सेकंड विल बी द फॉल्स। हाँ रिवर्स ऑस्मोटिक है, पढ़ो तो। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, नेचर नेचुरल नहीं बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही। मैंने अभी अभी बताया था कि जो भी के एफ और के बी होती हैं वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, कोई डायमेंशन की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, 3D 2D से कोई मतलब नहीं होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। हाँ तो बेटा फॉल्स ही पूछा गया है ना, फॉल्स ही पूछा गया है, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो। 17 का सुयस ने दे दिया है ए वाला आंसर, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH, बेटा KH किस पे डिपेंड करेगी, KH किस पे डिपेंड करेगी, ओंकार नाथ ने भी दिया है ए, बेटा पार्शियल प्रेशर, हेनरी लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या फिर पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो बेटा यहां पर देखो, के एच अगर इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ के एच किस पे डिपेंड करती हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, ये क्या करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
वैल्यू ऑफ ऑन हेनरी कॉन्स्टेंट के एच इज, बेटा फिर से हेनरी कॉन्स्टेंट पे एक क्वेश्चन कि टेम्परेचर पे तो ये क्या कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अब पूछा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेंगी, तो फिर से बेटा हमें पता है पार्शियल प्रेशर इज के एच इंटू सॉल्युबिलिटी, तो बेटा एक्स अगर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो के एच क्या होगा, कम होगा, ये बात तय। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाया था तो के एच बढ़ रहा था, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी के कैसे कैसे रिलेट होती है, इनवर्सली रिलेट होती है, अगर के एच की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो 18 का हो जाएगा बी कि ग्रेटर फॉर द गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, के एच किसके लिए ज्यादा होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। चलो ये देखो, फिगर दिया गया है बेटा, यहाँ पर अगर फिगर क्लियर है तो दो यहाँ पर बीकर बनाया गया है, ऐसे यहाँ पर दो कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, यहाँ पर भी बेटा ये एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लिया गया है, इसको बी मान लो, और यहाँ पर फ्रेश वाटर लिया गया है, यहाँ पर क्या लिया गया है, फ्रेश वाटर लिया गया है, ठीक। अब कह रहा है बेटा कि हमने क्या किया, ये बी वाले पिस्टन, ये बी वाले पिस्टन पे हमने प्रेशर यहाँ पर लगाया, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर लगाया, और ये है पिस्टन ए, तो कह रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू साइड बी, कह रहा है कि ए से बी की ओर आएगा वाटर, या फिर वाटर बी से ए की साइड आएगा, तो बेटा यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिख रहा है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर दिख रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर में क्या होता था, रिवर्स ऑस्मोसिस होती थी, क्या होती थी, रिवर्स ऑस्मोसिस होती थी, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता था बेटा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें किधर की ओर जाती थी, सॉल्वेंट पार्टिकल किधर की ओर मूव करते थे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। अब एक तरफ फ्रेश वाटर, एक तरफ NaCl, बेटा कॉन्सेंट्रेटेड कौन, बेटा कॉन्सेंट्रेटेड कौन, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा हमारा NaCl, तो अब यहां से हायर टू लोअर मतलब बी से ए की ओर मूवमेंट होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रिस्टल, मतलब कि अगर प्रेशर ज्यादा है, जितना हमने पिस्टन में लगाया है, पिस्टन में जो प्रेशर लगाया है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, और रिवर्स ऑस्मोसिस होगी तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वी हैव थ्री इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl, बेटा एक NaCl के हमारे पास NaCl के ही तीन इक्वल सोल्यूशन है, इसमें भी NaCl, यहां भी NaCl, और यहां पर भी हमारे पास NaCl, ABC कह रहा है, ABC। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, इसके लिए 0.1 मोलर है, इसके लिए 0.01 मोलर है, उसके लिए 0.001 मोलर है। द वैल्यू ऑफ वॉन्ट हाफ फैक्टर, बेटा हर्स एग्जाम्पलर की टाइमिंग है मॉर्निंग 9 o'clock, हर्ष ने कहा है कि सेनो का सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई किस पे डिपेंड करता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर ये तो होते हैं नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, और यहां पर नंबर ऑफआयंस देखेंगे बेटा तो तीनों में ही NaCl NaCl है, तीनों के लिए क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब कि आई ए की बात करें तो बराबर होगा आई बी की, और आई सी की बात करें तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो आराम से करना, इंटरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, आराम से करना और पहले पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चुनना है यहां पर। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इज इंटरमोलिक्यूल, अच्छा मिक्सचर इंटरमोलिक्यूल, इंटरेक्शन ऑफ ए ए एंड बी बी टाइप आर नियरली सेम एज ए बी टाइप इंटरेक्शन, कह रहा है बेटा ए ए टाइप इंटरेक्शन एंड ए बी टाइप बी बी टाइप इंटरेक्शन नियरली सेम है ए बी टाइप के इंटरेक्शन में, किसके लिए, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। दूसरा पढ़ो, एथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर
अगर हम दोनों का मिक्सचर लें एथेनॉल और एसीटोन का, तो AA टाइप BB टाइप इंटरमोलिकुलर। अच्छा जरा बताओ एथेनॉल और एसीटोन, अभी ये भी पढ़ा था एथेनॉल और एसीटोन क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं यहां पर। साउंड में थोड़ी नॉइज है, उन्नति ने लिखा है साउंड में थोड़ी नॉइज है, बेटा मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है। चलो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन बेटा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ये क्या कराते हैं नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो यहां पर देखें पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि सोल्यूशन बी एंड सी विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, सोल्यूशन ए विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, सोल्यूशन बी विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड सी विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो क्या यहां पर सही होगा जरा बताएं। क्या सोल्यूशन ए राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है? यस बेटा, जब नियरली सेम होता है तो हम कहते हैं कि वहां पर आइडियल सोल्यूशन होगा, क्या होगा आइडियल सोल्यूशन होगा, और हमें पता है द मिक्सचर ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोमीथेन इज अ आइडियल सोल्यूशन, फर्स्ट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ओनली ए, यहां पर सेकेंड ऑप्शन दिया है कि सिर्फ ए है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बाकी पॉजिटिव डेविएशन में बेटा ये क्या होता है वीकर होता है, पॉजिटिव डिविजन में क्या होता है वीकर होता है, और नेगेटिव में ए बी क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है, तो दोनों बी और सी गलत है, सिर्फ ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बेटा फैन तो चल भी नहीं रहा है, एसी चल रहा है फैन नहीं चल रहा है। हर्ष ने क्या पूछा है मैम, एक डाउट पूछा है प्लीज बता दीजिए, हर्ष कहाँ पूछा है डाउट बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, मतलब इनका आंसर बहुत छोटा होता है, ये खुद ही क्वेश्चन में सब कुछ बता देते हैं, सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आप क्वेश्चन देख के डर गए या क्वेश्चन देख के आप में हिम्मत है। चलो पढ़ो, टू बीकर ऑफ कैपेसिटी 500 ml वेयर टेकन, दो बीकर हैं दोनों की कैपेसिटी 500 है, मतलब 500 से ज्यादा नहीं आ सकता है राइट, एक में क्या किया गया है ए लिखा गया है और उसमें 400 ml वाटर भरा गया है, जबकि बीकर बी में 400 ml 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl भरा गया है। एट द सेम टेम्परेचर बोथ द बीकर वेयर प्लेस्ड इन क्लोज कंटेनर फॉर द सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी सोन एंड द फिगर। अब देखो है क्या, एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। पूछा जा रहा है किसका वेपर प्रेशर ज्यादा या कम है यहां पर, ठीक है। फैन बंद करो, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगी। अच्छा अब क्या पूछा है हर्ष ने, हर्ष ने पूछा मैम कोलाइड में जब KI और AgNO3 सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो सॉल्ट किस टाइप का बनेगा? अच्छा सरफेस में चले गए, चलो मैं आंसर करती हूँ बेटा हर्ष, मैं आंसर करती हूँ। हाँ सबको कबीर सिंह का सॉन्ग सुन गया, एक्चुअली बाहर कूलर चल रहा था तो मैंने भाई को फोन किया था कि कूलर बंद कर दे, शायद उसी की आवाज आ रही है। चलो आंसर करो, अच्छा फटाफट आंसर करो 22 क्वेश्चन का।
नहीं, मैं सो नहीं गई हूँ, कुछ यहाँ पर गोल गोल घूम रहा था। अच्छा मैं सॉल्व करूं? चलो देखो देखो बेटा, सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, हमें पता है कि जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है देन प्योर लिक्विड। अब कहा जा रहा है कि एक तरफ वाटर लिया गया, एक तरफ NaCl लिया गया। वाटर का मतलब हो गया प्योर लिक्विड, और यहाँ NaCl का मतलब हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो B का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन द प्रेशर ऑफ A, B का प्रेशर कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि A का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू B, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलो बहुत जल्दी, इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट सेम स्पेसिफिक कंपोजिशन देन, चलो देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पर ये सही करता है। बेटा पूछा गया है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि एजियोट्रॉप क्या होता है, फटाफट आंसर करो कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एजियोट्रॉप्स, अगर पूछा जाए कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं तो क्या बताएंगे, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अच्छा अगर बात करें कि एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक। रजिस्ट चेंज, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है राइट। एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, अ सॉल्यूशन विद अ पार्टिकुलर कंपोजिशन वेयर इट डिस्टिल आउट एज सच विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन, अपने कंपोजिशन में चेंज किए हुए बिना ही ये क्या करता है। अच्छा इसमें वेपर और लिक्विड फेज में दोनों के लिए ही क्या सेम होते हैं, श्रेयस ने दे दिया है पूरी डेफिनेशन, बहुत सही बेटा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कैसे जानोगे, कैन कब बन सकते हैं, कैन फॉर्म बाई दैट सोल्यूशन विच एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन रखते हैं राउल्ट्स लॉ में, जितने भी पॉजिटिव डेविएशन रखते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, या कहा जा सकता है कि वो बना सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब देखो यहाँ पर कहा गया है इसी की बात की जा रही है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन, और पॉजिटिव डेविएशन में बेटा क्या होता है, हाँ पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम, वही तो मैं बोल रही हूँ बेटा कि पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स रखते हैं या बना सकते हैं, इसका रिवर्स कर दो तो नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो ए ए और ए बी या बी बी इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन ए बी इंटरेक्शन, यही तो होता है पॉजिटिव में। तो देख लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट कहाँ पर मैच कर रही है कि ए ए एंड बी बी आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एज कंपेयर टू ए बी, तो हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, फोर्थ में देखने को मिल रही है बेटा कि ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन ए ए एंड ए बी। कल होगा सॉलिड स्टेट का बेटा, कल हम लोग करेंगे सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पलर क्वेश्चन। 4 लीटर ऑफ 0.02 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर द मोलैलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, बेटा कई बार पढ़ चुके हैं कि M1V1 मोलैलिटी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मोलैलिटी पूछी जा रही है, तब भी आपका फॉर्मूला वही रहेगा M2 एंड V2, तो क्या दिया गया है 0.02, V की वैल्यू दी गई है 4, क्योंकि 4 लीटर है, यहाँ पर M2 की वैल्यू पूछा जा रहा है, और V2 कितना हो गया, एडिंग 1 लीटर, पहले से 4 था बेटा तो अब नया वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर मिलाने के बाद ये हो जाएगा 5, यहाँ रखोगे, बहुत बच्चे गलत करते हैं। हर्ष मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगी आपके क्वेश्चन को बताने के लिए, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं।
इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.014 सॉरी 6। बिल्कुल सफिशियंट है बेटा, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर मिला लो, बिल्कुल सफिशियंट है। जब आपको सीधा सीधा बता रखा है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना ही नहीं है, तब तो ये आपके लिए एक बॉर्डर लाइन, आपको एक लिमिट मिल गई ना कि कितना पढ़ना है आपको। सुयश ने कहा है नो बेटा, इसमें आप सही कर सकते हो, यहाँ पर मोलैरिटी लिखो, मोलैरिटी यहाँ पर M1V1, हमने स्मॉल m लिया है वैसे M1V1 करके, लेकिन यहाँ पर होगा मोलैरिटी, डाइल्यूशन में मोलैरिटी निकालेंगे, क्योंकि मोलैरिटी को डाइल्यूट नहीं कर सकते, वो लीटर में नहीं घुलता है बेटा, किलोग्राम में घुलता है। मिस्टर स्मार्ट बाय बाय। हर्ष ऑर्गेनिक के एग्जाम्पलर होंगे कमिंग मंडे से, क्योंकि अभी सैटरडे तक जितने भी फिजिकल के चैप्टर बचे हैं वो होंगे, फिर ऑर्गेनिक होगा मंडे से। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑन एडिंग एसीटोन टू मेथेनॉल। बेटा एसीटोन और मेथेनॉल, यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मेथेनॉल बिकॉज ब्रेक। बेटा यहाँ पर क्या चीजें पूछी जा रही हैं, बस एसीटोन और मिथेनॉल क्या डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जरा बताओ एसीटोन और मिथेनॉल कौन सा डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये दिखाते हैं पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव दिखाते हैं तो ये मिनिमम एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे, मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे। अब ढूंढ लो कहाँ पर लिखा है, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बिल्कुल सही बात, एंड विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड्स। दोनों ही सही है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक कीवर्ड दिख जाएगा कि एसीटोन एंड मिथेनॉल दिया गया, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर शो करेगा। चलो T2, गुड मॉर्निंग। KH वैल्यू फॉर आर्गन CO2 CHO एंड CH4 आर गिवन। बेटा KH की वैल्यू दी गई है, कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, तो हमें पता है कि KH और सॉल्युबिलिटी पे रिवर्स का इनवर्सली सॉल्युबिलिटी जिसके लिए KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। और फटाफट देख लो वैल्यूज, फटाफट वैल्यूज देख लो, आर्गन के लिए है 40.39, बहुत बड़ी वैल्यू, इसके लिए 1.67। अब वैल्यूज देखो और पुट करो, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो सबसे कम हो जाएगा आर्गन का, क्योंकि आर्गन की KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद हो जाएगा CO2, उसके बाद CH4, और सबसे ज्यादा हो जाएगा SCHO का, क्योंकि SCHO के लिए माइनस का 10 की पावर 5 है सबसे कम वैल्यू, और सबसे कम वैल्यू इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। देखो कहां पर दिया गया है, थर्ड में दिया गया है। चलो भाई अब आ जाओ, आपका जो रियल टेस्टिंग है वो शुरू होती है अब। क्यों बेटा? क्योंकि टाइप 2 तरह के क्वेश्चन, यहाँ पर एक से ज्यादा आपके आंसर सही हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, जल्दी से करें और बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, ये कहे द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसियस सॉल्यूट इन द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब बेटा देखो ये ऑप्शन है, ए एंड सी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब बेटा क्या है, अगर हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख लिया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख लिया, तो सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी हमेशा ही, साथ ही जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो ए और सी बिल्कुल सही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए एंड बी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने अब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे हर कंडीशन में डिपेंड करती है, और साथ ही अब किस पे करेगी, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मतलब कि ए एंड बी, बी एंड सी ओनली कह रहा है टेम्परेचर और प्रेशर पर सिर्फ। नो बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करती ही करती है, ओनली सी सिर्फ प्रेशर पे नहीं, ये भी हो जाएगा गलत। तो सिर्फ क्या हो जाएगा सही, 1 एंड 2 आर द सेम आंसर।
कोई बात नहीं बेटा हर्ष, कोई बात नहीं बेटा, चलो कल हम लोग करेंगे सॉलिड स्टेट। तो कल वाला सेशन भी ज्वाइन करना, ढेर सारी चीजें मैं पूछूंगी आपसे, एग्जाम्पलर के अलावा भी एनसीईआरटी से जो फॉर्मूले होते हैं वो सारा कुछ मैं पूछूंगी, तो प्रिपेयर होके आना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू बेंजीन मोलिकुल आर नियरली, देखो नियरली ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टॉलवीन मॉलिक्यूल। कह रहा है कि दो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो नियरली सेम है। किस किसके? दो मॉलिक्यूल ऑफ टॉलविन फॉर अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन। अब क्या किया हमने, एक मिक्सचर बना दिया जिसमें बेंजीन को भी डाल दिया और टॉलविन को भी डाल दिया। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाट्रो। देखो बेटा जब लिखा है नियरली सेम, इसका मतलब हो जाता है ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन आर नियरली सेम विद ए बी इंटरेक्शन। ये बेटा आइडियल गैसेस की, ये आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन होती है, करेक्ट। अब आइडियल सोल्यूशन है तो आइडियल के लिए बताओ डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होता है? जीरो होता है। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा कह रहा है दीज विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बेटा जब ये आइडियल है तो ना पॉजिटिव ना निगेटिव दिखाएगा डेविएशन, तो एक और दो क्या हो जाएगा 28 का क्या क्या चीजें सही हो जाएंगी? हाँ वन एंड टू आर द राइट आंसर्स। अच्छा कह रहा है नॉट ट्रू, ये तो राइट हो गया बेटा, ये हो गए राइट आंसर। पूछा जा रहा है कौन से सही नहीं है, तो 3 एंड 4 सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड 4। हाँ रॉन्ग पूछा गया है, आई एम सो सॉरी भैया, कान पकड़ लिया मैंने, आई एम सो सॉरी, नॉट ट्रू पूछा गया है भाई, नॉट ट्रू पूछा गया है। गलती अगर मैडम गलती करें तो एकदम सब बच्चे एकदम कहते हैं ना टूट पड़ते हैं एकदम कि लो गलत हो गया मैम का। चलो हर्ष ने लिखा है डेल्टा भी जीरो होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। यस बेटा रैंडमनेस होती है वहां पर, डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा एच जीरो होता है। हाँ रॉन्ग पूछा है भाई, रॉन्ग पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा अब देखो जब मेरे से गलती हो सकती है जबकि मैं कितने क्वेश्चन में करवाती हूँ बच्चों को, तो तुम लोगों से गलती हो सकती है कि रॉन्ग पूछा गया या राइट। एक्साइटमेंट में जैसे क्वेश्चन आ गया ना आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन हो तो वहां नॉट आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, जैसे ही क्वेश्चन देखा फटाफट आंसर लगाया कि अरे लो मुझे तो आता है और सही आंसर लगा के चले आए जबकि पूछा गया था कि रॉन्ग बताओ। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है बेटा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज कह रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग है ना इन वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऐसा क्यों है, इनको क्यों बोलते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? क्योंकि बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी बातों पर डिपेंड करती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन बातों पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं, और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी पढ़ लो, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा कॉन्सेंट्रेशन कहा जाए या नंबर बोला जाए दोनों पर डिपेंड करती हैं, ठीक। लेकिन ये फिर से लिखा है एंड डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो दोनों ही सही है। थर्ड पढ़ लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रो सोल्यूट इन सोल्यूशन एज वेल एज नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। कह रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करती ही है लेकिन साथ ही नेचर पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल गलत बात है भाई, यहां भी लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है लिख रखा है, तो गलत हो गया भाई यहां से भी, तो ए भी सही हो जाएगा। चलो 30 आ जाओ, ये तो भाई बता ही देना सभी बच्चे, ये तो सही बता देना भाई, एक क्वेश्चन सही बता दो। और वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया है, कंजूस बच्चे लाइक कर देना वीडियो को। वन हाफ ये लिखा है, वन हाफ फैक्टर
ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, ये लो हमने सही कर दिया, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन. बेटा आई क्या होता है, देखो आई होता है नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास. एक तो ये होता है फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते हैं. दूसरा आई होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. बेटा सीपी का मतलब कनाट प्लस नहीं है, अच्छा तुमने लाइक कर दिया टीटू. और कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड सीपी, ये दो फार्मूले होते हैं. देख लो कहाँ कहाँ पर है, नॉर्मल है, ऑब्जर्व ऊपर रहेगा और सी नीचे रहेगा. तो वन एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, ए सी. हाँ बिल्कुल, ए और सी विल बी द राइट आंसर. चलो बहुत सारे बच्चों ने सही बताया, ए बी नहीं ए सी. अच्छा 30 सुयश ने बताया 29 का ए बी और 30 का ए सी, बिल्कुल सही. चलो 31 पे आओ, बहुत ही नियरली हम लोग खत्म करने के उसमें है, 35 क्वेश्चन ही है सिर्फ बेटा, और 31 पर हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. बहुत बढ़िया साथ दिया आपने. आइसोटोनिक सोल्यूशन मस्ट हैव द सेम, बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या क्या चीजें सेम होंगी फटाफट बताइए. सोल्यूट सेम होंगे, डेंसिटी सेम होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, या डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा. बेटा T2 क्लास की टाइमिंग रोज मॉर्निंग 9 o'clock न्यू लाइट प्रयास वाले चैनल पे, जो हमारा न्यू लाइट प्रयास चैनल है उस पे 9 पर. चलो भाई बेटा आइसोटोनिक है मतलब कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है. हम कह सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैलिटी ले जाती है वो भी सेम है. तो अगर मोलैलिटी सेम है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, क्योंकि मोलैलिटी यहाँ पर सेम होगी, या हम सिर्फ लिख लें कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सेम होगा. तो क्या सही हो जाएगा, सी एंड डी. चलो नेक्स्ट आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. अच्छा बेटा लिक्विड और वेपर फेज में, लिक्विड और वेपर फेज में कह रहा है सेम कंपोजिशन रखे, ऐसे कौन लोग होते हैं जरा बताओ, ऐसे कौन होते हैं. देखो जरा, अच्छा बेंजीन और टोलुविन ये क्या है बेटा, आइडियल सोल्यूशन है, ये क्या है आइडियल सोल्यूशन है ये. और वाटर और नाइट्रिक एसिड ये कैसे है, नॉन आइडियल है, ये है नॉन आइडियल, मतलब जो रॉल्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं, जो लॉस को फॉलो नहीं करते हैं. वाटर और एथेनॉल ये फिर से नॉन आइडियल, और एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन. बेटा एनहेक्सेन और एनहेप्टेन की बात करें तो ये कैसा होगा, ये होगा आइडियल सोल्यूशन, ये होते हैं आइडियल सोल्यूशन. तो बेटा अग्नो जो नॉन आइडियल होते हैं वो क्या होते हैं, वही फॉर्म करते हैं एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर. वो क्या फॉर्म करते हैं, ऐसे एजियोट्रॉप मिक्सचर फॉर्म करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिनका कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है, सेम होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही क्या है, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल है बेटा. वाटर एंड एथेनॉल, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड ये क्या करते हैं, ऐसे एजियोट्रॉप्स मिक्सचर को बनाते हैं जिनके कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है, सेम होता है. चलो 33 पर आओ. इन आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, नहीं बेटा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, यस आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. और देखो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. बिल्कुल सही बात है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, ये भी सही है. सोल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट मे बी डिफरेंट, ये भी गलत है बेटा. तो 2 and 3 सही है, सभी को पता होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में. 34 में आइए.
फॉर अ बाइनरी आइडियल सोल्यूशन, देखो आइडियल लिखा है, आइडियल लिक्विड सोल्यूशन द वेरिएशन इन टोटल प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय विच ऑफ द कर्व। बेटा यहाँ पर x मोल फ्रैक्शन दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन मतलब कि यहाँ पर x दिया गया है और p दिया गया है। आइडियल सोल्यूशन है तो नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है और पॉजिटिव डेविएशन भी रख सकता है, मतलब कि ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है और ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही होंगे, कौन कौन से, फर्स्ट एंड फोर्थ, बिल्कुल सही। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। रवि प्रकाश, इतनी लेट ज्वाइन किया है आपने, कल करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एकदम खा पी के बैठना और पेपर पेन लेके बैठना, क्योंकि तो उसमें भी क्वेश्चन ज्यादा है बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व, व्हेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कब हम ऑब्जर्व करते हैं। अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ वोलेटाइल लिक्विड, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व होता है एक वोलेटाइल लिक्विड में, बिल्कुल सही है, तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जब आयंस बनते हैं। अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व इन अनदर वोलेटाइल लिक्विड, अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिजॉल्व इन अनदर वोलेटाइल लिक्विड, मतलब कि एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है, दोनों में से कोई भी एक वोलेटाइल हो सकता है एक नॉन वोलेटाइल, चाहे सॉलिड को वोलेटाइल लिख दो चाहे लिक्विड को वोलेटाइल रख दो, लेकिन दूसरा जो फेज है। हाँ बेटा हर्ष, मैं सॉलिड को एकदम सॉलिड से कराऊंगी, लेकिन हर्ष मैं तुम्हारा आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बार कंफर्म भी करना पड़ेगा। तो दो सही है यहाँ पर, वन एंड थर्ड, ठीक, दोनों ही वोलेटाइल नहीं हो सकते, ठीक, और गैस नहीं होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा रहा आज का सेशन, थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन थे, लेकिन यकीन मानिए अगर इतने क्वेश्चन लगा लिए आपने, ये सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, आज वाले सेशन की बात कर रही हूँ, तो बहुत 99% चांसेस है कि यहाँ से एज इट इज आपको क्वेश्चन आपके नीट पेपर में मिले, क्योंकि भाई नीट NTA जो बना रहा है या तो डायरेक्ट NCERT के एग्जाम्पलर NCERT के एग्जाम्पल उठा के रख दे रहा है, इंटेक्स के क्वेश्चन उठा के रख दे रहा है, या फिर एग्जाम्पलर के एज इट इज सोल्यूशन के साथ। रोजी, नो बेटा मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, रोजी मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ बेटा, इवन मैं एगिटेरियन भी नहीं हूँ, मैं एग्स भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो आज के सेशन यही हम लोग खत्म करते हैं बेटा, आप लोग नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें जो भी आपके चल रहे हैं, जो भी आपके लिए शेड्यूल्ड हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव फन।